श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि घर पर आप आराम से जो आप सेक्स करते हैं वो जो टाइम जो आप बढ़ाते हैं तो टाइम बढ़ाने वाला जो लेप है आप घर पर कैसे बना सकते हैं। अक्सर लोग टाइम बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल सरल है और ये सामान आपको रसोई में ही मिल जाएगा। ये प्रयोग ऐसा है कि आपका समय तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपके टेढ़ेपन और जो दुर्बलता है वो भी दूर हो जाएगा। समय बढ़ाना हर कोई चाहता है मगर वो अपनी शारीरिक स्थिति नहीं देखता है। समय बढ़ाने से पहले पुरुष को अपने अंदर अपने वीर शक्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर वो पतला हो चुका है तो उसको पहले गाढ़ा करने के लिए यत्न करना चाहिए, फिर उसके बाद ये प्रयोग अधिक सफल होगा। ऐसे में इसको बढ़ाने और गाढ़ा करने के लिए आप इमली के बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे टाइम बढ़ाने वाले लेप के बारे में। ये लेप बहुत सरल और लगाने में बहुत आसान होता है। इस लेप के लिए जो ज़रूरी सामान है वो मैं आपको बता देता हूँ। हींग 3 ग्राम लेना है। अगर हीरा हींग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप साधारण हींग जो खाने में इस्तेमाल होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शहद लेना है आपको 25 ग्राम। अभी क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हींग को अच्छे से खरल कर लीजिए। खरल मतलब रसोई में पाई जाने वाली पत्थर की मसाला या चीज़ से कूट लीजिए, उसको पूरा बारीक कर लीजिए। अच्छे से बारीक पाउडर की तरह कूट लीजिए। जब ये बिल्कुल पाउडर की तरह बन जाए तो फिर इसमें शहद को मिलाकर अच्छे से घोट लीजिए। कम से कम 15 से 30 मिनट तक घोटते रहे। घोटने के बाद इसको किसी कांच के बर्तन में संभाल कर रख दीजिए। अभी जो लगाने की विधि है वो मैं आपको बता देता हूँ। रात को सोते समय ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको हटाकर, मांस को मतलब जो चमड़ी होती है उसे हटाकर, सुपारी को छोड़कर आप लेप कीजिए। रात को सोते समय सुपारी को छोड़कर लेप करना है। जो नीचे पीछे का जो पोर्शन है उस पर लेप करना है, ऊपर वाले पोर्शन में लेप नहीं करना है। तो बेसिकली इसको नसों के ऊपर लेप करना है। यह बहुत सरल औषधि है। असफलता जो है सफलता में बदल जाएगी। पुरुष कहलाने के लायक हो जाओगे आप। कुछ दिनों के प्रयोग अगर आप इसको लगातार करते हैं तो अगर टेढ़ापन मेढ़ापन है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।